चांदपुर प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि चांदपुर थाना अंतर्गत ग्राम सैदपुर निवासी सोविंद सिंह की पुत्री शैली की शादी 2 वर्ष पूर्व जनपद मेरठ के थाना जानी अंतर्गत ग्राम खेड़ा निवासी विपिन चौधरी पुत्र राजेंद्र सिंह के साथ हुई थी। विपिन चौधरी कोचिंग सेंटर चलाता है जहां उसके पास महिलाओं का आना जाना लगा रहता था। कोचिंग सेंटर की आड़ में विपिन चौधरी अपने सेंटर में महिलाओं से अवैध संबंध रखता था। उसकी इस बात को लेकर उसकी पत्नी से हमेशा विवाद रहता था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी में मनमुटाव रहने लगा। कोतवाली चांदपुर में विपिन के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज का मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है, तभी से वह फरार चल रहा था। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि विपिन चौधरी बागलपुर तिराहे पर अवैध हत्या लिए खड़ा है। सूचना पर सब इंस्पेक्टर शहजाद अली सब इंस्पेक्टर चंचल ने बागलपुर तिराहे से विपिन को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 32 बोर रिवॉल्वर 3 कारतूस बरामद किए गए। विपिन ने बताया कि रिवॉल्वर उसने घरेलू विवाद के कारण अपने पास खरीद कर रखा था। पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया है। न्यूज फ्रीडम के लिए चांदपुर से सलीम हाशमी की रिपोर्ट। दहेज के मामले के आईओ जो है इसकी गिरफ्तारी के लिए अम्बेडकर चौक पर पहुंचे तो उन्हें द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि आपकी दहेज के मामले में वांछित अभियुक्त विपिन चौधरी बाप का नाम राजेंद्र जानी मेरठ बागलपुर के राय पर खड़ा है और आज जो है यहाँ संदिग्ध अवस्था में घूम रहा। इस पर जो है चंचल मैडम और ऐसे ही शहजाद अली थाने से रवाना हुए और वहाँ जो है मुखबिर की सूचना पर से गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से इसके कब्जे से एक पिस्टल देसी नाजायज मुंगेर की बनी हुई व 3 कारतूस बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। अब आपका न्यूज फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फ्रीडम चैनल और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।